दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं टाइटंस के संघर्ष क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फेनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी, हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा। फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डी जानुकी अभिनीत सेम वर्थिगट केमा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फेंस लियास निशान। छायांकन पीटर मेजेक्सिन जूनियर द्वारा संपादित वेंसेट टेबी लोन मार्टिन वाल्सो संगीत दिया है रामिन जावेदी। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र जानू कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया। भाषा अंग्रेजी। बजट $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन। टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में 493 मिलियन की कमाई की, हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में
रिलीज हुई एक सीरीकल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन द सीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे, यस सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओलिप गर्भधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टाइटंस के संघर्ष क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में बार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है। ट्रेविस बीचमा फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू
रिचर्ड डी जानुकी, अभिनीत सेम वर्थिगट, केम्बा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस, मिकेल सेन एलेस्का डावलोस, रॉबर्ट पेंस लियास निशान, छायांकन पीटर मेजेक सिंह जूनियर द्वारा संपादित, विंसेंट डेबी लोन मार्टिन वाल्सो, संगीत दिया है रामिन जावेदी, उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र, जानो कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010, संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 108 मिनट, देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 125 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन, टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में एस 493 मिलियन की कमाई की, हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया, पोसिडन द सीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया, अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया, जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे, यस सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओ लिप गर्भधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस, यह वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टाइटंस के संघर्ष, क्लैश ऑफ द टाइटंस, 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में
वार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। ट्रेविस बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा। फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डे जानू की अभिनीत सेम वर्थिगट केमा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फिन्स लियास निशान। छायांकन पीटर मेजेक्सिन जूनियर द्वारा संपादित वेंसेट टेबी लोन मार्टिन वाल्सो। संगीत दिया है रामिन जावेदी। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र, जानू कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया। भाषा अंग्रेजी। बजट $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन। टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में 493 मिलियन की कमाई की। हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन दासीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की
अमरता तो बनाए रखा समय के साथ, हालांकि मैं स्वयं अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे। यश सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था, उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओ लिप गर्भाधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस, यह वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टाई टर्न्स के संघर्ष, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में बार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है। ट्रेविस बीचमा फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटन्स का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डी जानू की अभिनीत सेम वर्थिगर्ट केम्मा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फेंस लियास निशान छायांकन पीटर मेजेक्सिन जूनियर द्वारा संपादित
Vincent. Baby. Lone Martin. Valso. Sangeet diya hai. Ramin. Javedi. Utpadan Company. Puranik Chitra. Jano Company. Thunder Road Chitra. Dwara Vistrit. Warner Brothers Pictures रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 108 मिनट देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी बजट एस 125 मिलियन बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में एस 493 मिलियन की कमाई की हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया पोसिडन द सीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे यस सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओ लिप गर्भधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें शेयर करें धन्यवाद दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं टाइटंस के संघर्ष क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की एक्शन फतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है जिसके अधिकार 1996 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन
अभिनीत सैम वर्थी गटन जेमा आर्टन मेडस मिकेल सेन अलेक्सा डावालोस राफ्ट फेनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी, हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डी जानू की अभिनीत सेम वर्थिगर्ट केम्बा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फिंस लियास निशान। छायांकन पीटर मेजेक सेन जूनियर द्वारा संपादित विंसेंट डेबी लोन मार्टिन वाल्सो संगीत दिया है रामिन जावेदी। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र जानू कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 108 मिनट देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी बजट एस 125 मिलियन बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन। टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में एस 493 मिलियन की कमाई की, हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया, पोसिडन द सीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे, यस सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओ लिप गर्भधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रीसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को
उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है, जिसके प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस, यह वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं टाइटंस के संघर्ष क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा। फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डी जानुकी अभिनीत सेम वर्थिगट केमा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फिन्स लियास निशान। छायांकन पीटर मेजेक्सिन जूनियर द्वारा संपादित वेंसेट टेबी लोन मार्टिन वाल्सो संगीत दिया है रामिन जावेदी। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र जानू कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया।
भाषा अंग्रेजी, बजट एस 125 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन। टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में एस 493 मिलियन की कमाई की, हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया, पोसिडन दासीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया, अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया, जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे, यस सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओलिप गर्भधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टाइटंस के संघर्ष, क्लैश ऑफ द टाइटंस, 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में बार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी, हालांकि बाद में यह घोषणा
ईगल की फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डी जानुकी अभिनीत सेम वर्थिगट केम्मा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट पेंस लियास निशान छायांकन पीटर मेजेक सेन जूनियर द्वारा संपादित विंसेंट टेबी लोन मार्टिन वाल्सो संगीत दिया है रामिन जावेदी उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र जानो कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 108 मिनट देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी बजट एस 125 मिलियन बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में एस 493 मिलियन की कमाई की। हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन द सीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे। यस सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओ लिप गर्भधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है।
तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं टाइटंस के संघर्ष क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में बार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। ट्रेविस बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी, हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा। फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डे जानू की अभिनीत सेम वर्थिगट केमा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फिन्स लियास निशान। छायांकन पीटर मेजेक्सिन जूनियर द्वारा संपादित वेंसेट टेबी लोन मार्टिन वाल्सो। संगीत दिया है रामिन जावेदी। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र, जानू कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया। भाषा अंग्रेजी। बजट $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन। टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में $493 मिलियन की कमाई की। हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्प
बेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन द सीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे, यस सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओलिप गर्भधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस यह वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टाइटंस के संघर्ष क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में बार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है। ट्रेविस बीचमा फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा
टाइटांस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डी जानुकी अभिनीत सेम वर्थिगट केम्मा क्रिस्टीना ऑट रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फिंस लियास निशान छायांकन पीटर मेजेक्सिन जूनियर द्वारा संपादित वेंसेट टेबी लोन मार्टिन वाल्सो संगीत दिया है रामिन जावेदी उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र जानू कंपनी तंदरूर चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 108 मिनट देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी बजट $125 मिलियन बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में $493 मिलियन की कमाई की हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन द सीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे, यश सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओ लिप गर्भधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टाइटंस के संघर्ष क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981
की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में बार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी, हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा। फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डी जानू की अभिनीत सेम वर्थिगर्ट केम्बा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फिंस लियास निशान। छायांकन पीटर मेजेक्सिन जूनियर द्वारा संपादित विंसेंट डेबी लोन मार्टिन वाल्सो। संगीत दिया है रामिन जावेदी। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र, जानू कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन। टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में एस 493 मिलियन की कमाई की। हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन द सीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया। अंडरवर्ल्ड पर
शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया, जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे, यश सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओ लिप गर्भाधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टाई टंस के संघर्ष, क्लैश ऑफ द टाइटंस, 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में बार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडी द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है। ट्रेविस बीचमा फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डे जानू की अभिनीत सेम वर्थिगट केम्मा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फिंस लियास निशान।
cyan, beetle, magic scene junior द्वारा संपादित विंसेंट डेबी लोन मार्टिन वाल्सो संगीत दिया है रामिन जावेदी उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र जानो कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 108 मिनट देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया भाषा अंग्रेजी बजट $125 मिलियन बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में $493 मिलियन की कमाई की हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन दासीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे। यस सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओलिप गर्भधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें शेयर करें धन्यवाद। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टाइटंस के संघर्ष क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है जिसके अधिकार 1996 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा
अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रिया द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा। फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डी जानू की अभिनीत सेम वर्थिगट केम्मा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फिंस लियास निशान। छायांकन पीटर मेजेक्सिन जूनियर द्वारा संपादित विंसेंट टेबी लोन मार्टिन वाल्सो संगीत दिया है रामिन जावेदी। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र जानू कंपनी तंदरूर चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया। भाषा अंग्रेजी। बजट $125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन। टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में 493 मिलियन की कमाई की। हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन द सीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे। यस सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओलिप
गर्भाधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस यह वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं टाइटंस के संघर्ष क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। ट्रेविस बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा। फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डे जानू की अभिनीत सेम वर्थिगट केम्मा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फिन्स लियास निशान। छायांकन पीटर मेजेक्सिन जूनियर द्वारा संपादित वेंसेट टेबी लोन मार्टिन वाल्सो। संगीत दिया है रामिन जावेदी। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र, जानू कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख
2 अप्रैल 2010 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 108 मिनट, देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया, भाषा अंग्रेजी, बजट एस 125 मिलियन, बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन। टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में एस 493 मिलियन की कमाई की, हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेत ऑफ द टाइटन्स का नेतृत्व किया। टाइटन्स को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन दासीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया, अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया, जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे, यश सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओ लिप गर्भाधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस, यह वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। टाइटंस के संघर्ष, क्लैश ऑफ द टाइटंस, 2010 की एक्शन फंतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में बार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पर्लियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को
मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा। फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेवरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डे जानो की अभिनीत सेम वर्थिगट केम्मा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फेंस लियास निशान। छायांकन पीटर मेजेक सिंह जूनियर द्वारा संपादित विंसेंट डेबी लोन मार्टिन वाल्सो। संगीत दिया है रामिन जावेदी। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र जानो कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन। टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में एस 493 मिलियन की कमाई की। हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और 2 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीक्वल रेथ ऑफ द टाइटन्स का नेतृत्व किया। टाइटन्स को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन दासीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे। यश सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओ लिप गर्भाधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रिसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी
मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं टाई टंस के संघर्ष क्लैश ऑफ द टाइटंस 2010 की एक्शन फतासी फिल्म है और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा निर्मित इसी नाम की 1981 की फिल्म की रीमेक है, जिसके अधिकार 1996 में बार्नर ब्रदर्स द्वारा टर्नर की खरीद के मध्य से हासिल किए गए थे। कहानी बहुत ही शिथिल रूप से पैलियस के ग्रीक मिथक पर आधारित है। 23 बीच फिल्म है और मैट मैनफ्रेडिक द्वारा अभिनीत एक पटकथा से हुई लेट रियल द्वारा निर्मित एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी उत्पादन। अभिनीत सैम वर्थिंगटन, जेमा आर्टन, मेडस मिकेलसेन, अलेक्सा डावालोस, राफ्ट फिनेस और लियाम नीस। फिल्म मूल रूप से 26 मार्च 2010 को मानक रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में यह घोषणा की गई कि फिल्म होगी 3D में परिवर्तित किया गया और 2 अप्रैल 2010 को जारी किया गया। निर्देशक लुई लेट रियल पटकथा की है ट्रेविस बीचमा। फिलहाल मेट मैनफ्रेडी पर आधारित बेबरली क्रॉस द्वारा टाइटंस का संघर्ष द्वारा निर्मित तुलसी इवानिक केविट डीला न्यू रिसर्च डी जानू की अभिनीत सेम वर्थिगट केमा क्रिस्टीना और रोस्टोन मेडस मिकेल सेन एलेस्का डावलोस रॉबर्ट फिंस लियास निशान। छायांकन पीटर मेजेक्सिन जूनियर द्वारा संपादित विंसेंट डेबी लोन मार्टिन वाल्सो। संगीत दिया है रामिन जावेदी। उत्पादन कंपनी पौराणिक चित्र जानू कंपनी थंडर रोड चित्र द्वारा विस्तृत वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स। रिलीज की तारीख 2 अप्रैल 2010। संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 108 मिनट। देशों संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया। भाषा अंग्रेजी। बजट एस 125 मिलियन। बॉक्स ऑफिस 493.2 मिलियन। टाइटंस के संघर्ष में दुनिया भर में एस 493 मिलियन की कमाई की। हालांकि इसे आलोचकों से आमतौर पर नकारात्मक समीक्षा
मिली और दो गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए। फिल्म की सफलता ने मार्च 2012 में रिलीज हुई एक सीरियल रेथ ऑफ द टाइटंस का नेतृत्व किया। टाइटंस को हराने के बाद देवताओं ने दुनिया को आपस में बांट दिया। ज्यूस ने आसमान पर कब्जा कर लिया। पोसिडन द सीज और हेडस ज्यूस द्वारा धोखा दिया अंडरवर्ल्ड पर शासन करने के लिए छोड़ दिया गया। देवताओं ने नश्वर को बनाया जिनकी पूजा ने भगवान की अमरता तो बनाए रखा। समय के साथ हालांकि नश्वर अपने रचनाकारों को निंदा और अवहेलना करने लगे, यस सीजोस और मानव रानी द्वारा नियोजित किया गया था। उसके पति की घेराबंदी के दौरान राजा और माउंट ओ लिप गर्भधान की खोज करने पर क्रोधित एक्रीसियस रानी के निष्पादन पर आदेश देता है और नवजात बच्चे को उसकी लाश के साथ छाती में बंद कर देता है। ज्यूस के प्रतिशोध में एक बिजली का बोस्ट राजा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से विकृत कर देता है। राजा फिर छाती को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद प्यासे मछुआरे प्यास रोज और उसकी पत्नी मनारा द्वारा पटाया और उठाया जाता है। तो गाइस यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।